तीर्थ की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम भोलेनाथ की तुमको भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिव ही है महाकाल जो काल को देते टाल, शिव ही है महाकाल जो काल को देते टाल। भक्त जनों, आज हम भगवान भोलेनाथ की कुछ कथाओं का वर्णन करेंगे। पुराणों में इनके चमत्कार की अनेकों ही कथाएं वर्णित हैं। उन्हीं पावन कथाओं में से हम आपको कुछ कथाएं सुनाएंगे। आशा करते हैं आप भगवान भोलेनाथ की महिमा वर्णन सुनकर पुण्य प्राप्त करेंगे। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ को महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं भगवान भोलेनाथ के महामृत्युंजय मंत्र का जाप आए हुए काल को भी टालने में सक्षम है। इसी प्रकार की एक कथा का हम सर्वप्रथम वर्णन करते हैं। तो चलिए सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की ये चमत्कारी कथा। ऋषि मृकंड हुए हैं भक्तों शिव के भक्त महान, और उनकी पत्नी थी जिनका मरुद्यति था नाम। किंतु अनेकों वर्षों तक उन्हें ना संतान हुई, पुत्र की प्राप्ति का उपाय वो खोज रहे कोई। करने लगे हैं भोलेनाथ की दोनों कठिन तपस्या, एक ही पुत्र चाहे हो जाए मन में थी यही इच्छा। भोलेनाथ उनकी भक्ति से प्रसन्न है बड़े हुए, साक्षात दर्शन आकर के पति पत्नी को दे। पति पत्नी भोले के चरणों में गिर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, भगवान भोलेनाथ ने जब ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी को दर्शन दिए तो दोनों ने भोलेनाथ को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी ने भगवान भोलेनाथ से पुत्र प्राप्ति की इच्छा जताई। भगवान भोलेनाथ ने उन्हें दो विकल्प दिए, एक अल्पायु बुद्धिमान पुत्र और दूसरा दीर्घायु मंद बुद्धि पुत्र। ऋषि ने भोलेनाथ से बुद्धिमान पुत्र का ही वरदान मांगा। परिणाम स्वरूप उन्हें बड़ा ही बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ, जिसको पति पत्नी ने मार्कंडे नाम दिया। किंतु भगवान भोलेनाथ के वरदान स्वरूप उनकी आयु केवल 16 वर्षों की थी। हो गया है, जान गए मेरी
धीरे धीरे बीत ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिव ही है महाकाल जो काल को देते टाल, शिव ही है महाकाल जो काल को देते टाल। भक्त जनों, जब ऋषि मार्कंडे ने जाना कि वो अल्पायु है, तो उन्होंने अपना सारा जीवन भगवान भोलेनाथ की भक्ति में बिताने का निश्चय किया और 16 वर्षों तक भगवान भोलेनाथ की कठिन तपस्या की। 16 वर्ष पूर्ण होते ही यमराज उन्हें लेने आ जाते हैं, तो ऋषि मार्कंडे भागकर काशी पहुंच जाते हैं, किंतु यमराज ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तो ऋषि मार्कंडे शिवलिंग से जाकर लिपट गए और भगवान भोलेनाथ का आवाहन किया। उनकी पुकार सुनकर भोलेनाथ वहां स्वयं प्रकट हो गए और ऋषि मार्कंडे को अमृतत्व का वरदान दे दिया। ऐसे कृपालु हैं मेरे भोलेनाथ। जनों, भगवान भोलेनाथ ऐसे वरदानी हैं कि थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी विशेष पूजा की आवश्यकता नहीं, सच्चे मन से की गई क्षण भर की भक्ति से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि सोमवार का व्रत किया जाए तो भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसी ही एक पौराणिक कथा का अब हम यहाँ वर्णन करेंगे। किसी समय में एक साहूकार शिव का भक्त हुआ, पर संतान की प्राप्ति का ना सुख से प्राप्त हुआ। सच्चे मन से करता था वो शिव की
पार्वती की बात सुनकर भोलेनाथ कहने लगे, हे देवी, संसार में हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जिसके भाग्य में जो होता है वही उसे प्राप्त होता है। किंतु माता पार्वती कहने लगी, भोलेनाथ, आपको इसकी इच्छा पूर्ण अवश्य करनी चाहिए। माता पार्वती की विनती पर भगवान भोलेनाथ उस साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देते हैं, किंतु साथ में ये भी कहते हैं कि इसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। साहूकार माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के वार्तालाप को सुन रहा था, अतः वो ना तो बड़ा ही प्रसन्न हुआ और ना ही दुखी। पहले की भांति शांत चित्त होकर भोलेनाथ की भक्ति में लगा रहा। फिर साहूकार के घर में तो एक पुत्र का जन्म हुआ है, अल्पायु है किंतु पुत्र साहूकार जानता है। धीरे धीरे 11 वर्ष का जब है पुत्र हुआ, विद्या प्राप्त करने को उसे काशी में भेज दिया। अपनी पत्नी के भाई को है साहूकार ने बुलाया, ले जाओ इसे काशी में, उसको इतना बताया। रास्ते में मिले जितने ब्राह्मण दान दक्षिणा पुरुषों के वचन कभी कभी सत्य हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महादेव और नीलकंठ भी जो कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिव ही है महाकाल जो काल को देते ढाल, शिव ही है महाकाल जो काल को देते जनों। साहूकार ने अपने साले को बहुत सा धन देकर विदा किया और कहने लगा, मेरे पुत्र को काशी में ले जाकर शास्त्रों की विद्या का ज्ञान दिलवाएं। रास्ते में आपको जितने भी ब्राह्मण मिले उन सबको उचित दान दक्षिणा देना और उनके चरणों में वंदन करना। किसी ब्राह्मण के मुख से यदि पुत्र को दीर्घायु का वरदान मिल जाए तो हमारी साधना पूरी हो जाएगी। साहूकार के कहने पर मामा अपने भांजे को लेकर काशी की ओर चल दिया और चलते चलते दोनों एक नगर की सीमा पर रुक गए। दोनों जिस नगरी में रुके थे उस दिन उस नगर के राजकुमार का विवाह था, किंतु राजकुमार एक आंख से काना था। राजा ने जब साहूकार के पुत्र को देखा उसके मन में विचार आया, क्यों ना इस लड़के को अपने पुत्र की जगह ले जाकर राजकुमारी को ब्याह कर ले आऊं और बाद में इनको बहुत सा धन देकर विदा कर दूंगा। साहूकार के पुत्र को राजा ने बुलवाया है और दूल्हे का वेश पुत्र की जगह बना चाई है।
भक्तजनों, जब राजकुमार की जगह साहूकार के पुत्र को राजकुमारी से शादी के लिए फेरों पर बैठाया गया, तो साहूकार के पुत्र ने दुल्हन की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा पति तो एक आंख से काना है और मुझे बलपूर्वक राजा ने अपने पुत्र की जगह बिठा दिया है। जब दुल्हन ने अपनी चुनरी पर लिखी बातें पढ़ी तो सब कुछ जान गई और उसने अपने पिता को सब बातें बताई। जब सब सच सामने आ गया तो बारात को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। राजकुमारी के पिता ने साहूकार के पुत्र की ईमानदारी की खूब प्रशंसा की और उसे बहुत सा धन देकर काशी की ओर विदा किया। कहने लगी, हे नाथ, आपको साहूकार के पुत्र के प्राण लौटाने होंगे, वरना इसका मामा विलाप करते करते अपने प्राण त्याग देगा। भगवान भोलेनाथ को माता पार्वती की बात माननी पड़ी और साहूकार के पुत्र को प्राण वापस लौटा दिए। पहचान गया और
अपने राजमहल में ले गया। राजकुमारी ने अपने पिता से कहा कि मेरा विवाह तो इस साहूकार के पुत्र के साथ ही हुआ है, क्यों ना आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक इसके साथ विदा कर दे। राजा ने भी अपनी कन्या की बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया। जनों, इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की कृपा से साहूकार के पुत्र को दीर्घायु के साथ साथ राजा की कन्या भी पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। ऐसे कृपालु हैं मेरे भोलेनाथ। जब वह अपने नगर में वापस आए तो साहूकार के पुत्र ने अपने माता पिता को सारी सच्चाई बता दी। इतना सुनकर साहूकार भूले नहीं समाए और भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो गए। भोलेनाथ जी ने से उन पर कृपा बरसाई, दीर्घायु भी साहूकार के पुत्र ने है पाई। भोलेनाथ तो सदा ही भक्तों पर कृपा करते हैं, सच्चे मन से जो भी इनका नाम सुमिरते हैं। शीश झुकाते हैं।